नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने कहा है कि IDF यानी इजरायली सेना नॉर्थ में पहले से ही हिजबुल्ला से हार चुकी है। कैरजरीन पर लेबनानी हिजबुल्ला के हमलों पर बोलते हुए विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा कि इसराइल सरकार ने नॉर्थ खो दिया है। बता दें, हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने बुधवार को कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स की ओर लेबनान से दागे गए लगभग 50 रॉकेटों को पता लगाने की सूचना दी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने कुछ रॉकेटों को रोक दिया, जबकि अन्य इजरायली शहर के पास जाकर गिरे। बता दें, हिजबुल्ला ने शहरों पर हमले किए। इसके अलावा इजरायल के मिलिट्री बेस पर भी हमला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार मिडिल ईस्ट को अपना बनाने में लगे हुए हैं। वो कभी फिलिस्तीन के नेताओं से मिलते हैं, कभी ईरान को समर्थन देते हैं और अब उन्होंने चेचन्या का दौरा किया है, जो मुख्य रूप से वीडियो में कुरान को चूमते और इस्लामी पवित्र पुस्तक के साथ कैमरों के सामने पोज देते हुए देखा गया है। पुतिन का कुरान के प्रति सम्मान दिखाना भी एक महत्वपूर्ण सांकेतिक कदम माना जा रहा है, जो इस्लामी समुदाय के साथ उनके संबंधों को और मजबूत कर सकता है। पुतिन का यह कदम इजराइल के खिलाफ चल रहे गुस्से के बीच आया है। वो अरब देशों को अमेरिका से अलग कर खुद का बनाने की कोशिश में है। हालांकि कुछ मिडिल ईस्ट के देश पाला बदल भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दो दिन के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी चुनाव को लेकर एक्शन में हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द मिटाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। गठबंधन को लेकर राहुल ने कहा कि हम गठबंधन करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले PM मोदी सीना फुलाकर चलते थे, लेकिन अब नीचे करके चल रहे हैं। यह हार कांग्रेस की विचारधारा, इंडिया गठबंधन के साथियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने PM मोदी को झूठों का सरदार कहा और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जम्मू कश्मीर की PDP ने बुधवार को दिए अपने एक बयान में कहा कि चुनावों से पहले गठबंधन पर कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। PDP ने राहुल गांधी को एक प्रभावशाली नेता बताया है, जो कि कश्मीर के मुद्दे को उठा सकते हैं। बता दें, राहुल गांधी इन दिनों कश्मीर दौरे पर मौजूद हैं। मणिपुर में हिंसा जारी है। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप आया, जो मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर उनका क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा है। वो मैथिली समुदाय को खुला समर्थन करने की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी से बचाने की बात कर रहे हैं। बताते हैं कि शाह ने बम फेंकने से मना किया है, लेकिन आप चुपके से बम फेंकिए और निर्वस्त्र महिलाएं घुमाई गई और उनके साथ बलात्कार होने पर कहते हैं कि मैथिली समुदाय को रिवॉर्ड देना चाहिए, उन्होंने तो जान बचाई। ऐसी ही कई बातें कहते हैं, जिससे साफ हो गया कि कथित तौर पर वो ही हिंसा में शामिल थे। इसके बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपनों का ही विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है। BJP के 7 विधायकों ने ही CM बीरेन के खिलाफ जांच शुरू करने की बात कर दी है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व को उस समय अजीब स्थिति में डाल दिया, जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य इकाई के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि उनकी समझ के अनुसार सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्नाव से सांसद ने कहा, मुझे लगता है कि सत्ता में और संगठन में सम्मान साझेदारी नहीं है। दोनों मुखिया आगे बैठे हैं, आगे इसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में BJP के खराब प्रदर्शन के बाद BJP में कह चल रही है, कई लोग सलाह दे रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि अगर स्कूल सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षक के अधिकार और ऐसी चीजों के बारे में बोलने का क्या मतलब है। यहां तक कि 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, ये क्या हालात है, ये बेहद चौंकाने वाला है। वहीं AG सराफ ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और SIT कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मामले को तेजी से आगे बढ़ाएगी। बेंच याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार 27 अगस्त को करेगी। कोलकाता में RG कर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर हुई। इस दौरान CJI चंद्रचूड ने विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से अपील की है कि वो अपने काम पर वापस लौट आएं। यहां तक कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कानून अपना काम करेगा।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एक और प्रतिक्रिया सामने आई। अभिषेक बनर्जी पर ऐसे आरोप लग रहे थे कि वो इस मामले में मुखर नहीं थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में से जब देश भर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मामले में विरोध के साथ इंसाफ की मांग हो रही है, तब अलग अलग हिस्सों में 900 रेप की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें अधिकतम समय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। अभिषेक के मुताबिक दुख के साथ इनके समाधानों पर अभी तक व्यापक चर्चा नहीं हो पाई है। रोजाना 90 रेप, हर घंटे 4 और हर 15 मिनट पर एक रेप केस सामने आता है, यानी साफ है कि तत्काल ही सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है। अभिषेक ने मांग करते हुए कहा कि हमें सख्त कानून जरूरत है, जिससे कि ट्रायल और दोष निर्धारण 50 दिनों में ही किया जा सके, साथ ही सख्त सजा दी जा सके, न कि केवल झूठे वादे किए जाएं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी की गुरुवार को पहली बार बैठक हुई, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के अधिकारी उन्हें मसौदा कानून में प्रस्तावित विभिन्न संस्थानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भाजपा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को लोकसभा में विवादास्पद विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है, जिस पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया। बांग्लादेश में आई बाढ़ के पीछे कई बांग्लादेशी संगठन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन संगठनों का दावा था कि त्रिपुरा के दमपुर जल विद्युत परियोजना के बांध को खोल दिया गया, इस कारण बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। हालांकि अब भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर ये चिंता जताई गई है। ये त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने दमपुर बांध को खोलने से पैदा हुई है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गुमती नदी के तटीय इलाकों में इस साल भारी बारिश हुई है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश में बाढ़ इन इलाकों से नीचे की ओर जाने वाले पानी की वजह से आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा दमपुर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटी ऊंचाई वाला बांध है जो बांग्लादेश को भी 40 मेगावाट की बिजली सप्लाई करता है। भारत के प्रधानमंत्री अब मोदी अपने यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड पहुंचे। पीएम मोदी ने बुधवार को पोलैंड की राजधानी वर्सावा में भारतीयों को संबोधित किया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, हम युद्ध पर नहीं शांति पर विश्वास करते हैं। भारत इस क्षेत्र में भी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। उन्होंने कहा कि भारत का मत साफ है कि ये युद्ध का युग नहीं, ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं, इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।